हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी एकेडमी इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल्स। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, ये आपका डीएचएस, डीएमई, डीएचएस, एफडब्ल्यू, आईएएस रिक्रूटमेंट और असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला वीडियो है 2022 का। लेकिन इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैंने आपका डीएचएस, डीएमई, डीएचएस, एफडब्ल्यू, जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल का पेपर है, उससे रेफरेंस लेके क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है। अभी जो 29 मई को एग्जाम हुआ था टेक्निकल का, उसका भी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैक्सिमम मार्क्स वेटेज वाला चैप्टर्स है, जैसे कि आपका मैंने यहाँ पे दिया है सिनोनिम एंटोनिम्स, इडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, करेक्ट स्पेलिंग, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन एंड आंसर, एंड मोस्ट प्रोबेबली सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये ऑल इन वन वीडियो, इसी वीडियो में सब हम कवर करेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द लास्ट ऑफ दिस वीडियो, ताकि आपको सारा क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए एग्जाम से पहले। सो आपको बताया था जो डेट आपका आया हुआ है वो आपका 19th जून का डेट है, एंड दिस इज नॉट द डेट फॉर नॉन टेक्निकल पेपर्स। नॉन टेक्निकल ग्रेड 3 के लिए ये नहीं है, ये जो 19th जून का एग्जाम है ये आपका ग्रेड 4 के लिए है। तो किसी को कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने इसके लिए कल एक वीडियो बनाया था, और ग्रेड 3 का एग्जाम कब होगा उसके लिए भी मैंने वीडियो में जिक्र किया है आपका कि कब वो होने वाला है। सो आपको 9th और 10th तक एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा ग्रेड 4 का, और ग्रेड 4 में भी आपको इंग्लिश के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अभी तक जिन्होंने भी तैयारी स्टार्ट अच्छे तरीके से नहीं किया, प्लीज इस इंग्लिश को क्वेश्चंस को देखिए, ताकि आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाए इंग्लिश का। मैं कह रहा हूँ इससे बाहर आपको इंग्लिश में और कुछ देखने को नहीं मिलेगा, यही आपका रेफरेंस पेपर है, यहीं से आपको रेफरेंस लेके आगे पढ़ाई शुरू करनी है। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सो इस वीडियो में आपका जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, मैंने एक मतलब पेपर का एनालिसिस किया और मुझे पता चला कि डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कितने सारे एग्जाम में आ जा रहे हैं। मैंने टेक्निकल के पेपर में 3 to 4 क्वेश्चन जो 10 में आए थे इंग्लिश के, वो मैंने देखा डायरेक्ट प्रीवियस ईयर से। तो मैंने डीएचएस डीएमई का प्रीवियस ईयर पेपर का ही सारा क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, और जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने वाले वो भी आपके लिए यहाँ पे सब आपको देखने को मिलेगा। सो स्टार्ट द वीडियो। एगोनी का एंटोनिम्स आपसे पूछा जाता है, तो एगोनी क्या होता है आपका? एगोनी का अगर हम सिनोनिम्स देखें तो आपका मतलब स्ट्रेस में रहना, ठीक है? तो ऑप्शन है माइजरी, डिस्ट्रेस, एंजाइटी और कंफर्ट। तो आप अगर इस इन क्वेश्चंस को एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। देखिए मैं किस तरीके से करूंगा। माइजरी इज ए नेगेटिव वर्ड, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमको इसका क्या पूछा है आपका एंटोनिम्स, उल्टा पूछा गया है। डिस्ट्रेस भी एक नेगेटिव वर्ड है, एंजाइटी भी एक नेगेटिव वर्ड है, जो सब नेगेटिव सेंस देता है। लेकिन कम्फर्ट आराम को बोलते हैं, और आराम एक क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, जो स्ट्रेस का आपका डायरेक्टली अपोजिट मीनिंग है। सो डायरेक्टली हम इस तरीके से एलिमिनेशन करके भी आंसर दे सकते थे इसका। क्वेश्चन नंबर 2, ब्राइट का सिनोनिम्स आपसे कहा गया है लुमिनेंट, ब्रिलियंट, डल एंड नॉन। तो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिलियंट। ब्राइट को ही हम ब्रिलियंट कहते हैं, ही इज ए वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट और ही इज ए वेरी ब्राइट स्टूडेंट, तो दोनों ही सही है। तो ब्राइट का आपका सिनोनिम्स जो होगा सही मतलब वो होगा। नेक्स्ट सिनोनिम्स ऑफ हेड। हेड का सिनोनिम्स क्या होता है? किसी को हेड करना, ठीक है? तो हेड का मतलब तो आपको पता ही है, किसी को मतलब आप अच्छा नहीं पाते। तो ऑप्शन है एबोर, लव, फेवर और डिजीज। तो देखिए मैं एलिमिनेशन कैसे करूंगा, हेड मतलब आप किसी को अच्छा नहीं पाते, वो डिजीज तो नहीं है। आप किसी का फेवर करते हैं ये भी सही नहीं है, लव करते हैं आप किसी को ये तो बिल्कुल ही सही नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बच जाता है, दैट इज एबोर। तो यू कैन सी हाउ द रिप्लेसमेंट मेथड इज वेरी मच इफेक्टिव। कैसे, सॉरी नॉट रिप्लेसमेंट मेथड, एलिमिनेशन मेथड आप देख रहे होंगे मैं किस तरीके से लगा रहा हूँ। तो आपको भी उसी तरीके से अपने एग्जाम में एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। एलिमिनेशन मेथड विल बी वेरी मच इफेक्टिव फॉर द एग्जाम। सो प्लीज एलिमिनेशन मेथड की तरफ चलिए, हर एक क्वेश्चन के साथ मेरे साथ सीखते मेथड। एंटोनिम्स ऑफ एडमायर। तो एडमायर का एंटोनिम्स क्या होगा? डिस्पाइस, डिस्टेंट, लाइक एंड डिमाइस। तो इसका डायरेक्टली एडमायर का जो आपका एंटोनिम्स होता है वो आपका होता है डिस्पाइस, ये आपको याद रखना है। कुछ कुछ तो वर्ड है जिसका आपको वोकेबुलरी का मीनिंग पता होना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। इसीलिए आपको ये डायरेक्टली याद रखना होगा कि एडमायर का जो एंटोनिम्स होता है वो आपका डिस्पाइज। पेनी सेव्ड इज ए पेनी, अर्नड, वेस्टेड, लॉस्ट या चार्ज्ड। तो अगर आप कोई पेनी सेव करते हैं तो वो पेनी आपके लिए क्या हो जाता है? वो पेनी आप आज आपने खर्च नहीं किया, तो पेनी मतलब पैसा का बात हो रहा है, तो वो पेनी आज के लिए आपने क्या कर लिया, अर्न कर लिया, कि कल आप खर्च कर सकते हो उसे। तो पेनी मतलब पैसे बचाना ही मतलब होता है पैसे कमाना, ठीक है? यही आपका सही मीनिंग है इस idiom का, ठीक है? तो अर्न इज योर करेक्ट ऑप्शन नंबर 1। किल टू बर्ड्स विथ वन
शॉट, एक शॉट में दो बर्ड को मारना, एक बुलेट से दो बर्ड को मारना, एक गन से दो बर्ड को मारना, या एक स्टोन से। तो ये एक फेमस इडियम है जो कि हम लोग बोलते हैं एक स्टोन से दो बर्ड को मारना, और इसका मतलब होता है कि हम लोग एक सिंगल एक्शन से, इसमें इसका मतलब क्या होता है कि एक सिंगल एक्शन से कोई भी दो चीज को हमने अचीव कर लिया, कोई भी दो चीज हमारा हमने अचीव कर लिया, ठीक है। तो एक सिंगल एक्शन से, ठीक है, टू अचीव टू थिंग्स, सिंगल एक्शन से क्या किया हमने, अचीव कर लिया, टू अचीव टू थिंग्स, यहाँ पे लिख देता हूँ आपको इसका मीनिंग, ठीक है। तो एक्स्ट्रा जो भी मैं मीनिंग बता रहा हूँ ये आपको याद करने के लिए सुइटेबल होगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, टू अचीव टू थिंग्स। सो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, और आपको इसी तरीके का अगर और भी वीडियो चाहिए होगा एग्जाम रिलेटेड, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो मैं आपके लिए और भी वीडियो लेके आऊंगा, बस आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम्स ऑफ क्रेजी, क्रेजी का सिनोनिम्स क्या होगा, क्रेजी का मतलब ऑलमोस्ट पागल होता है, तो बैड, सेंसिटिव, इनसेन या इलिटरेट। तो पढ़ा लिखा नहीं होने से आदमी पागल नहीं होता, सेंसिटिव ये कोई पागल नहीं है, बैड का मतलब भी पागल नहीं होता, बैड का मतलब तो खराब होता है, एक ही ऑप्शन बच गया, दैट इज इनसेन, इनसेन इज द सिनोनिम्स ऑफ क्रेजी, सो वी हैव डन इट बाय एलिमिनेशन मेथड। तो आप देख रहे होंगे एलिमिनेशन मेथड कितना ही ज्यादा हेल्पफुल है, तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है आपको अभी समझ में आ रहा होगा हर एक क्वेश्चन के साथ, सो प्लीज गो विद द एलिमिनेशन मेथड इन एवरी क्वेश्चन, ताकि आपको बहुत ज्यादा आसानी हो, ठीक है। एलिमिनेशन में यहाँ पे किसी वर्ड का मीनिंग नहीं लिख रहा, मैं मेथड भी लिख देता हूँ, बहुत लोगों को लग जाएगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ एलिमिनेशन। तो दिस इज एन एलिमिनेशन मेथड जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, वी एलिमिनेट द ऑप्शंस, ऑप्शंस को हम क्या करते हैं, मैं ऑप्शंस को क्या करते हैं, हम एलिमिनेट करते हैं। जैसे कि चार ऑप्शन है, तो तीन को अगर हमने एलिमिनेट कर दिया, तीन को हमने एलिमिनेट कर दिया, तो एक ही ऑप्शन बचता है जो सही होगा, दैट इज द करेक्ट वे टू सॉल्व क्वेश्चंस इन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 8, पर्सन हु स्लॉटर्स एंड सेल मीट इज कॉल्ड। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, मैंने कहा था सब तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा, अभी तक हमने सिनोनिम, एंटोनिम्स और इडियम्स का क्वेश्चन देखा, अब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। तो जो मीट को स्लॉटर्स करके सेल करता है, तो स्लॉटरर, बटलर, बुचर या कॉफर, तो इसका करेक्ट आंसर होता है बुचर कहते हैं इन्हें, ठीक है, जो मीट दुकान में हमें देखने को मिलता है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुल समबडीज, तो ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है, नोज, हैंड, लेग्स या पेंट। तो पुल समबडीज लेग होता है, मतलब किसी को चिढ़ाना, ठीक है, इसका idioms का मतलब होता है किसी को चिढ़ाना। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, द लियोपर्ड कैन चेंज इट्स, तो लियोपर्ड क्या चेंज नहीं कर सकता आपका, तो पहला है कलर, स्पोर्ट्स, होम, हैबिट। देखिए हम एलिमिनेशन से कैसे करेंगे, लियोपर्ड अपना हैबिट क्या चेंज कर सकता है, हाँ हैबिट चाहे तो आदमी अपना चेंज कर सकता है, होम चेंज कर सकता है, ऑब्वियसली होम चेंज कर सकता है, कलर लियोपर्ड अपना चेंज करते हैं, वो रात को थोड़े ब्लैक कलर के हो जाते हैं और सुबह होते होते अपने ओरिजिनल कलर में आ जाते हैं, तो ये कलर वो चेंज कर सकते हैं। बस एक ही चीज है जो लियोपर्ड चेंज नहीं कर सकते, वो उनके बॉडी का स्पॉट्स होता है, देयर स्पॉट्स मार्क्स इन द बॉडी, उनके बॉडी में आपने देखा होगा छोटा छोटा स्पॉट्स होता है। तो एलिमिनेशन से अगर हम ये करने जाएं, तो करेक्ट आंसर जो बनता है वो बनता है आपका स्पोर्ट्स, लियोपर्ड सिर्फ अपने स्पोर्ट्स को ही चेंज नहीं कर सकते, बाकी सब वो चेंज कर सकते हैं, हैबिट हम चेंज कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो, और फॉर्म भी चेंज कर सकते हैं, कलर भी चेंज लियोपर्ड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इंटेंशनल, इंटेंशनल का एंटोनिम्स क्या होगा आपका, तो इंटेंशनल का एंटोनिम्स आपको बताना है। तो इंटेंशनल का पहला एक्सीडेंटल, लोकल, ट्रेवलिंग या नेशनल। तो एंटोनिम्स पूछा है आपका, इंटेंशनल का एंटोनिम्स, इंटेंशनल मतलब जानबूझ के करना और एक्सीडेंटल मतलब गलती से हो जाना, तो ऑप्शन नंबर ए ही सबसे सुइटेबल बैठता है, इसलिए इसके लिए हमें ऑप्शन भी पढ़ने का जरूरत नहीं है, सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका, सिनोनिम्स ऑफ रिकल्सिट्रेंट, तो इसमें जितना भी वर्ड दिया हुआ है, एसिड, एक्रिट, ऑब्स्टिनेंट और वेसल, जितना भी वर्ड दिया हुआ है सभी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से आपको आंसर पता करना है, यू नीड टू फाइंड द आंसर, ठीक है, आपको आंसर पता करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको तो पता ही है मैं एक क्वेश्चन हमेशा देता हूं आपको, ताकि आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सके, ताकि मुझे भी पता चले आप कितने सिंसियर है इन वीडियोस को लेके और एग्जाम के लिए आप कितना सिंसियर है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है रिकेल सी ट्रेंड का सिनोनिम्स। सो लेट अस मूव
क्वेश्चन, इंसॉल्वेंट का एंटोनिम्स क्या होता है? इंसॉल्वेंट का मतलब जो अच्छी तरीके से नहीं घुले, और सॉल्यूशन क्लियर, वेल्थी और बैंकक्रप्ट, तो जो अच्छी तरीके से ना घुले उसका उल्टा क्या होता है, जो अच्छी तरीके से घुल जाए। तो एक सॉरी तो एक सॉल्यूशन ही होता है जिसमें सारे पार्टिकल अच्छी तरीके से घुल जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ऑक्यूपेशन का सिनोनिम्स क्या है? ऑक्यूपेशन का मतलब क्या, कहीं काम करना, ठीक है? तो सारे काम को ऑक्यूपेशन नहीं कहा जाता, वर्क तो किसी भी तरीके का हो सकता है, लेकिन आप कहीं जाके जॉब करते हैं किसी के लिए, दैट इज द मेन ऑक्यूपेशन दैट यू आर डूइंग। स्पेस तो अलग ही हो गया, स्पेस मतलब जगह, प्लांटेशन मतलब तो किसी प्लांट को प्लांट करना, ठीक है? जॉब इसका करेक्ट आंसर होगा। कोशियस का एंटोनिम्स, कोशियस मतलब हर एक चीज को लेके बहुत ही कोशियस होना, मतलब बहुत केयर करना किसी भी चीज को लेके। तो मैंने कोशियस का मीनिंग आपको बताया, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा क्या करना, आपका केयर करना। तो एंटोनिम्स मतलब इसका जस्ट उल्टा पूछा गया है, और इसका जस्ट उल्टा बहुत ज्यादा केयरलेस होना, मतलब आप कोई भी चीज का केयर नहीं करते। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्न डीफ ईयर टू। टर्न डीफ ईयर टू का मतलब क्या होता है? मतलब अपने ईयर को डीफ मतलब बहरा जैसा प्रतीत करना, किसी को क्या करना, इग्नोर करना। आप सुन रहे हैं लेकिन उसे अनसुना कर रहे हैं, तो किसी को इग्नोर करना। और किसी को अगर हम इग्नोर करते हैं तो इसका मतलब क्या है, सामने वाले को तो पता चल ही जाता है कि हम उसको क्या कर रहे हैं, डिसरिगार्ड कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, डिसडेन कर रहे हैं, या डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वी आर डिसरेस्पेक्टिंग द पर्सन। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, नो डेज नो गेन। सो नो मनी नो गेन, नो एफर्ट्स नो गेन, नो पेन्स नो गेन, नो जिम नो गेन। तो इसका करेक्ट जो वर्ड बनता है यहाँ से वो बनता है नो पेन्स नो गेन। अगर आपने पेन नहीं उठाया तो कोई गेन आपको नहीं मिलेगा। जैसे हम जिम जाते हैं तो हम कहते हैं ना कि अगर आपने पेन नहीं उठाया तो गेन कहाँ से मिलेगा, हमें पेन उठाना पड़ता है ताकि हम फिट हो, ठीक है? तो जिम आंसर मत दे दीजिएगा आप, जो करेक्ट वर्ड यहाँ बैठता है वो होता है पेन्स। नेक्स्ट है, फ्रॉम डेज टू वर्स। तो यहाँ पे होगा फ्रॉम बेड टू वर्स, और फ्रॉम वर्स टू वर्स, बेटर टू वर्स, बेस्ट टू वर्स। तो बहुत अच्छे से तो बहुत खराब आदमी नहीं होता है, धीरे धीरे खराब होने शुरू होता है सिचुएशन, और खराब से बहुत खराब हो जाता है, ठीक है? खराब से क्या हो जाता है आपका, बहुत खराब हो जाता है। तो बैड आपका करेक्ट आंसर होगा इस केस में, ठीक है? फ्रॉम बैड टू वर्स्ट, वर्स। क्वेश्चन नंबर 19, बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड। बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड का मतलब अपने एनर्जी से ज्यादा किसी काम को करना, ठीक है? तो एनर्जी आपके पास जितना है, एनर्जी जितना है उससे भी ज्यादा आपको लगाना पड़ रहा है, ज्यादा लगाना पड़ रहा है। तो हम बोलते हैं कि बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड मतलब पूरी तरीके से आपका एनर्जी का लॉस हो जाना। वेस्टिंग इज मनी कोई सेंस नहीं है, लूजिंग इज जॉब कोई सेंस नहीं है, लूजिंग इज ऑब्जेक्टिव कोई सेंस नहीं है, ओवर टैक्सिंग हिज एनर्जी अपने एनर्जी से ज्यादा काम करना। तो मैंने यहाँ पे एनर्जी इसलिए लिख दिया कि आपको ये वर्ड याद रहेगा तो आप डायरेक्टली टिक कर सकते हैं। तो यही तरीका होता है क्वेश्चंस करने का, तो आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज परफॉर्मेंस वाज ऑफ मिल्क एंड वाटर काइंड। उसका परफॉर्मेंस मिल्क और वाटर काइंड का है। मिल्क और वाटर क्या? तो जो चीज धुंधला हो या फिर कोई चीज देखने में अच्छा नहीं हो, मिल्क और वाटर मिलावट हम बोलते हैं ना, तो डल, वंडरफुल, स्टनिंग, ब्यूटीफुल, ये तीनों वर्ड तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। और हमें पता है कि ये अच्छा चीज का बात नहीं हो रहा है, मिल्क एंड वाटर मतलब कोई चीज का मिलावट का बात हो रहा है। तो ये तीनों वर्ड एलिमिनेट हो गया, तो बाय एलिमिनेशन वी कैन डू दिस क्वेश्चन। ये क्या हो गया आपका, ये तीनों वर्ड इज एलिमिनेटेड, दिस थ्री वर्ड्स आर एलिमिनेटेड एंड वी विल गेट आवर आंसर इज डल, डल इज आवर करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर वन आपका करेक्ट बनता है। पिनेकल का सिनोनिम्स आपसे पूछा गया है, टॉन्ट, पिक, पेन या फुटहिल। तो ये वर्ड थोड़ा टिपिकल है, तो आपको डायरेक्टली याद करना है कि पिक इसका सिनोनिम्स होता है। ज्यादा समझने से कोई फायदा नहीं है, जो समझ में आए उसे ही समझिए, जो समझ में नहीं आए उसे तो याद ही करना है, मतलब रट्टा मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेनेसिटी का सिनोनिम्स पूछा गया है, स्प्लेंडर, इनग्रेटिट्यूड, प्रिजर्वेरेंस या फिर डेसिमेशन। सो प्रिजर्वेरेंस इज द करेक्ट आंसर ऑफ टेनेसिटी सिनोनिम्स। करेक्ट स्पेलिंग का काम आता है आपका। तो हमने देखा आपने सिनोनिम एंटोनिम्स किया, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, सिनोनिम्स किया, एंटोनिम्स किया, और बहुत सारे क्वेश्चन किए, ऐसा नहीं कि एक दो किया बस, और बहुत इंपॉर्टेंट वाले ही किए। तो आपको ये देख के जाना है एग्जाम में, आप देखेगा डायरेक्ट क्वेश्चन आपको वहां से मिलेगा। मैं पहले ही कह रहा हूँ, टेक्निकल में आपका प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट 3 से 4 क्वेश्चन गिरा है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, ये श्योर है, ठीक है? जितने भी मैंने मैक्सिमम टॉपिक वेटेज वाले क्वेश्चन कराए, इडियम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक है? ये भी मैंने करा दिया आपको,
अब आपका स्पेलिंग चेक जो मैंने कहा था, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने जो भी आपका थंबनेल में लिखा है उससे कोई भी चीज अलग करा रहा हूँ, डायरेक्टली जो जो टॉपिक लिखा है सब करा रहा हूँ इसमें, ठीक है। आप एंड तक वीडियो देखिए, आपको पूरा पता चल जाएगा, ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग आपका रेडिकुलस का पूछा है, तो आप ऑप्शन देख के आपको सही आंसर बताना है। तो सॉरी, हम रेडिकुलस प्रोनाउंस नहीं करते, इसे रिडिकुलस प्रोनाउंस करते हैं, तो रिडिकुलस आपका करेक्ट आंसर होगा। स्पेलिंग चेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक मार्क्स आपको देके जाता है अगर आपका स्पेलिंग में अच्छा। स्पेलिंग चेक इसमें भी करना है आपको ओकेजन का, तो देखिए बहुत ही कैसे हम एलिमिनेट करेंगे, हम डबल सी डबल एस नहीं होता ओकेजन में, ये याद रखना है आपको। तो यहाँ तो डबल ए ही दे दिया, वो तो पहले ही गलत होगा, तो ये दो ऑप्शन तो आप हटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए ओकेजन ओकेजन, तो या तो डबल सी होता है या डबल एस होता है, तो डबल सी होता है ना ही कि डबल एस होता है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। बाय एलिमिनेशन वी हैव डन ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है यही आपका करेक्ट बनता है। नेक्स्ट इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस का करेक्ट जो आपका स्पेलिंग होगा वो क्या होगा, देखिए तो इनक्रेडुलस का आपको स्पेलिंग बताना है जो कि सबसे सुइटेबल इस हिसाब से बैठता है। तो इनक्रेडुलस का जो सबसे सुइटेबल स्पेलिंग जो बैठता है आपका वो होगा ऑप्शन नंबर सी या डी, ऑप्शन नंबर सी या डी। आप देखिए, देखिए पहला दो तो एलिमिनेट हो जाता है, ऑप्शन सी और डी में आपको बताना है। सो दे देता हूं आपको और एक होमवर्क आज का, ऑप्शन नंबर सी या डी में से आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट बॉक्स में सबको ये लिखेगा कि 25 सी अगर आपको सी लगता है, और अगर 25 डी लगता है आपको तो आप लिखेंगे 25 का डी। इससे पहले मैंने और एक क्वेश्चन का कमेंट दिया है, तो वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सो सी और डी में से आपको कोई एक ऑप्शन बताना है, दिस टू आर नॉट द करेक्ट स्पेलिंग, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो डायरेक्टली आपका 50-50 कर दिया मैंने, आपको कॉमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, ठीक है। सो प्लीज कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। इससे पहले मैंने DHS के शॉर्ट ट्रिक्स के मैथ के वीडियोस लेके आया मैंने, जिसमें आपको जाके आप देखेंगे आपको खुद ही पता लग जाएगा, टेक्निकल में डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से देखने को मिला है, डायरेक्ट क्वेश्चन वही पैटर्न का। तो डायरेक्टली जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, किस बात का वेट कर रहे आप। जीके जीएस का जो भी क्वेश्चन कराया है वो भी आपको मिल रहा है एग्जाम में वहीं से, तो जीके जीएस प्लस इंग्लिश का और भी जितने टॉपिक्स है जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने कराया है। तो इंग्लिश जीके जीएस इसका आपका कम से कम मैंने पार्ट 8 तक करवा दिया है, तो किस बात का देर है, आप जाइए और तैयारी अपना स्टार्ट कीजिए। 8 to 9 पार्ट्स ये देख के खत्म कीजिए, DHS का मैथ का जो शॉर्ट ट्रिक का वीडियो है वो देख के खत्म कीजिए, और ये इंग्लिश के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच जाए और सबको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिले। प्लीज शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन, एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट इन दिस चैनल। लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो अभी तक अगर आपने नहीं किया, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाए इस चैनल के, और आप एक्सेस कर सके सारे वीडियोस को। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।